नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल हम गए थे दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने, और लेने तो गए थे हम कपड़े, लेकिन वहाँ से लेके आए हम ये टाइटन की वॉच। बैग तो आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घड़ी जो है वो चार है। तो चलिए शुरू करते। तो ये घड़ी लेने के पीछे ये स्टोरी है कि मुझे राज को उनके बर्थडे के लिए घड़ी गिफ्ट करना था, और मेरा अभी छोटा सा एक सर्जरी हुआ था, उसके लिए मुझे 2 महीना बेड रेस्ट पे रहना था। तो 2 महीना बाद मैं कल दुर्गा पूजा की पहला शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे जो उनका पेंडिंग गिफ्ट था तो वो लेना था, तो इसलिए टाइटन शोरूम में गए थे हम। तो लेना था राज के लिए, लेकिन पसंद वहाँ पे 4 आ गया, तो 4 राज के लिए नहीं है। तो किन के लिए है वो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहला जो है वो मैं राज का जो लेके आई हूँ राज के लिए वो दिखाती हूँ। तो ये है, तो ब्लैक कलर में है, और उन्हें ना ज़्यादा डायल मोटा वाला या मेटल में सिल्वर गोल्ड तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और सिल्वर भी नहीं पहनते हैं। तो उन्हें इस तरीके से हल्का डायल वाला और बिल्कुल लेदर में जो बेल्ट आते हैं ना वो ही पसंद होते हैं। और ये वाला जो घड़ी है ना, ये मुझे बहुत पहले ही पसंद आ गया था। बीच में मैं उनके लिए एक बार लेने गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे मतलब मैंने उनको फ़ोटो भेजा, लेकिन वही चीज़ है ना, जो आपको लेना है, आपको रेगुलर पहनना है, आपके हाथ में रहेगा, तो वही चीज़ होते कि हम किसी के लिए भी अगर गिफ्ट लेते तो वो सामने होते, पास होते, उनके पसंद का मिले तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो तब मैंने ये लिया नहीं था, और मुझे पता था मतलब यही वाला उनको पसंद आएंगे। और आप सोच सकते हो इतने बड़े टाइटन के शोरूम में उन्हें यही वाला पसंद आया, और ज़्यादा कुछ हमने देखा भी नहीं था, क्योंकि सभी डायल उनका जो है मोटा है, गोल्डन में है। तो इसलिए सीधा मैंने यही वाला दिखाने के लिए बोला, और बाकी और भी दिखाया था, बट उन्हें भी यही पसंद आया। बहुत ही सुंदर लग रहा था पहन के कल। तो आज ये ब्लॉग मुझे कंप्लीट करना था, तो पहन के नहीं गए ऑफिस। तो ये उनके बर्थडे का गिफ्ट है, जो उनका बर्थडे था जन्माष्टमी के दिन, और जन्माष्टमी के दिन ही मैं हॉस्पिटल में थी, तो बर्थडे हमने ना केक काटा और ना ही गिफ्ट दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो प्राइस है आपका यहाँ पे है 12,820 का है। तो ये तो हुआ राज का गिफ्ट बर्थडे का, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए उन्हें। और उनका जो पहला अभी टाइटन वॉच है ना, सेम इसी में ही है, बट मॉडल अलग है, और ब्लैक कलर में, और सेम इसी डिज़ाइन में। तो ये तो हुआ राज का, अब मैं दिखाती हूँ आपको मानू का। तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ। डब्बा खाली, पता है ये डब्बा खाली क्यों है, क्योंकि कल जब मैं वहाँ से लेके आई और मुझे ये हॉल करना था, तो मैंने बैग ऐसे ही रख दिया सोफे में कि कल मॉर्निंग में उठ के मुझे वीडियो करना है। फिर उसके बाद ना मानो कुछ कर रहे हैं सोने के जो चेन का एक ज्वेलरी बॉक्स होते हैं ना, ये देखिए ये वाला बॉक्स ना अलमारी से निकाला और कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा मानो क्या कर रहे हो, मुझे लगा चेन वगैरह चेंज करना होगा उसे। तो कह रहा है ना मैंने इसके अंदर घड़ी रखा है, ये देखिए। और इतना अच्छा बॉक्स छोड़ के मानो ने इसमें रखा, क्योंकि वो तो है सबका घर में दादी अम्मा, और हर चीज़ से उसे प्यार है। और सबसे बड़ी बात है उसके पास एप्पल वॉच है, और ये वाला वॉच जो है वो रेगुलर यूज़ नहीं करेगी, तो इस वजह से इतना ज़्यादा संभाल के रखने के लिए उसने इसमें रखा। तो इसे भी शायद मेरे गोल्ड वाले अलमारी में रखेंगे। और बस ये वाला जो घड़ी है ना, देखते ही एकदम एक नज़र में पसंद आने वाली चीज़ था, ठीक है। और मानू को चाहिए था टॉमी हिलफिगर का, बट टॉमी हिलफिगर का टाइटन शोरूम में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो 10-20 वहाँ पे टॉमी हिलफिगर का जो घड़ी था वहाँ पे था, लेकिन उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया था। और मानू को बर्थडे में भी मैंने कुछ नहीं दिया था, तो उसे घड़ी लेना था बट टॉमी हिलफिगर का लेना था, टाइटन में उससे पसंद नहीं था, मतलब ये नहीं था कि टाइटन का लेना है मुझे। लेकिन कल जब देखा ना, बस एक ही नज़र में पसंद आ गया, और ये
मानू ने अपने लिए लिया, तो कह रही थी कि मम्मी आप भी पहनोगे ना। मैंने कहा हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है पहन के ना, ये देखिए। और ये वाला जो टाइटन का है, ये मदर्स डे में मानू ने और बाबू ने दिया था सरप्राइज गिफ्ट, और कहीं और जाने के बोल के ना शोरूम में जाके ये लेके आया था। ये मेरा फेवरेट घड़ी है। अब लोगों को ये घड़ी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका तो टैग हटा दिया है मानू ने, और इसका जो प्राइस है आपका 7520 का। तो ये मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद, मतलब ये बाबू मानू और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो इसी बॉक्स में रखने वाली हूँ, जब चेंज करना होगा तो मानू कर देगी। मैंने उल्टा लगा दिया। अब दिखाती हूँ बाबू का। तो उसे घड़ी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। मतलब पहले तो इतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं थी, मतलब ठीक है पसंद है, टाइटन की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके अभी 2 साल के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे घड़ी का जो कलेक्शन है बहुत ज़्यादा हो गया। तो कभी बच्चे दे देते, कभी मैं अपने पसंद से मंगवा लेती हूँ। तो ये जो लिया है बाबू ने, और वहाँ पर ये वाला जो था ना घड़ी, एक नज़र में उसे पसंद आ गया। तो जैसे आया ना, वही चीज़ होते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, वो नज़र में आ ही जाते हैं। कि फिर मैंने सोचा कि कह रहे मम्मी ले लूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है पसंद है तो ले लो। तो ये वाला घड़ी जो है ये बाबू ने अपने लिए लिया है। और ये घड़ी का जो डायल है ना बहुत ही ज़्यादा पतला है, और आप देख सकते हो बिल्कुल पतला है उसके पापा के जैसा। और जो पहले वाला घड़ी है ना वो थोड़ा सा डायल मोटा है और बेल्ट वाला है और लेदर में है। कलर भी बहुत ही सुंदर है, मतलब कुछ चीज़ें होते हैं ना एक नज़र में पसंद आने वाली होते हैं, तो ये एक नज़र में पसंद आने वाली घड़ी है। तो ये बाबू का है, और इसका जो प्राइस है, तो इसका जो प्राइस है आपका 10,500 का है। तो आप लोगों को ये घड़ी कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट में जब हम बिलिंग करने गए तो बाबू को ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उसने पहन के देखा और जब इसका प्राइस पूछा तो 4,000 का बताया। तो उसे बहुत ही सुंदर लगा अपने हाथ में पहन के, तो मुझसे पूछ रहे कि मम्मी क्या मैं ये घड़ी भी ले सकता हूँ। तो मैंने सोचा 4,000 के लिए क्या ही बच्चों को मना करना है, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। और इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस लगे हैं। तो ये घड़ी भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जो डायल है ये ग्रीन कलर का है, और जो बेल्ट है वो भी ग्रीन कलर का है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, और रेगुलर में भी पहन सकता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये घड़ी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मानू ने बोला कि ये दोनों घड़ी में से एक घड़ी मत पहना, मैं बर्थडे में दूंगी, तो उसे दोनों में से एक चूज़ करना है कि अभी पहनने के लिए, दुर्गा पूजा आ रहा है सामने, दिवाली है, और एक उसे रखना होगा अपने बर्थडे के लिए। तो दोनों में से जो उसे ज़्यादा पसंद होगा वो अभी पहन लेगा, और जो कम पसंद होगा वो अपने बर्थडे तक वेट करना पड़ेगा बाबू को। तो ये रहा दो बाबू का, ये मानू का और ये राज का। और एक और घड़ी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रहा मेरा। तो आज लगता है घड़ियों की लॉटरी लगी है मुझे। तो ये वाला स्टोरी भी जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहले मैं इसे रख देती हूँ अपने अपने बॉक्स में। तो ये एप्पल वॉच सीरीज 7 है, सेलुलर वॉच है ये, और ये बाबू ने मुझे राखी में दिया था। तो इसके लिए मैंने अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस बार घड़ी का ब्लॉग बन रहा था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बाबू ने जब मुझे दिया राखी में, तो मुझे ऐसे लगा वेस्ट ऑफ मनी है कि इतना पैसे का ये घड़ी है और क्या हाथ में डालना है, जब 10,000 के घड़ी पहन के हम मतलब टाइम देख सकते हैं। तो तब मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बहुत मना किया था बट उसने सुना नहीं। और इस बार राखी में मैंने पहली बार उसे राखी बांधा था, और बाबू का ही जीत था कि आप भी मुझे राखी बांधो इस बार। तो मैंने राखी बांधा, तो राखी का गिफ्ट है ये। जब बाबू ने ये घड़ी मुझे मॉल ले जाके ख़रीद के दिया, तो मुझे ऐसे लगा ये इतना महंगा घड़ी पहन के मतलब अच्छा नहीं लगा था, मतलब इतना महंगा की ज़रूरत भी नहीं था। तो जब इसे मैंने 1 हफ्ते यूज़ किया, उसके बाद मुझे इसका जो फ़ायदे हैं और वो नज़र आने लगा।
इसमें मैं अपना जब वॉक करती हूँ तो मेरा डाइटिशियन ने 10,000 स्टेप करने के लिए बोला था, तो जबकि मैं एक घंटे आधे पहले तो आधे घंटे वॉक करती थी, फिर एक एक घंटे करती थी, तो स्टेप का ना मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं था कि एक घंटे चलने के बाद कितना होगा, तो इसमें मैं अपना स्टेप काउंट कर सकती हूँ। जब मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाते है, काम करते करते इतना ज़्यादा थकान हो जाते है, तो इसमें हार्ट बीट आपका काउंट होता है तो लो हो जाते हैं, तो एकदम मतलब उसमें नंबर आ जाते हैं, तो वो मैं देख के फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठी भी रहती हूँ तो भी मुझे बोलते हैं कि आपका जब मतलब रेस्ट करने का टाइम हो चुका है, अब आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, तो ऐसे हैं। और जब मैं काम करती हूँ तो इसमें फिर वो बता देते हैं कि आपका जो गोल है खड़े रहने का या काम करने का वो आपका पूरा हो गया है, तो अब आप रेस्ट कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो 50,000 का है, तो अब मुझे लगता है ये काम का है। ऐसा घड़ी हर किसी के घर मतलब होना चाहिए, तो राज के लिए भी मुझे पसंद है, बट उनके पास आईफोन नहीं है तो स्मार्ट वॉच मैं देख ही रही हूँ, बट उन्हें ये जो डायल है ना बहुत मोटा वाला है ना, तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी सोच रही हूँ कि कैसा लेना चाहिए। तो ये 50,000 में बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो ये रहा मेरा राखी का गिफ्ट बाबू की तरफ से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे ना पहले से ही लेने का इसको कोई भी इरादा था नहीं, और पहले तो बोल ही रहा था बाबू मुझे कि एप्पल वॉच दूंगा मैं, आप अपना कलर पसंद कर लो, लेकिन मुझे मतलब इसका प्राइस सुन के मैंने कलर में कभी भी मतलब देखा ही नहीं खोल के कि मुझे कौन सा कलर लेना है, तो ये कलर जो है ना ये मानू ने पसंद किया है, और शोरूम में जाके एकदम से सारे जो कलर था उसमें से मानू ने ये वाला पसंद किया, और पहन के भी अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं रोज़ सुबह जब भी उठती हूँ मतलब नीचे उतरने से पहले मैं वॉच पहनती हूँ, और जब सोने जाती हूँ तब मैं इसे उतार के चार्ज में लगाती हूँ। तो ये अब मेरा मतलब हर वक्त के लिए साथी बन चुका है जो मेरे हमेशा हाथ में होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ना दूसरा वाला घड़ी पहना, और ये सभी मैंने संभाल के घड़ियाँ रख दिया है, तो इसे ही मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और मैंने ना स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया तो इसमें ना एक स्क्रैचेस आ गया। आप लोगों को इसका कलर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के ये घड़ियों का जो हमारा शॉपिंग हॉल है, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को किसका घड़ी ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे नीचे वो भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।